दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव में शुरू होगी मोबाइल सेवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी वहां सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है, जिसमें बोकारो जिले में 3 गांव, चतरा में 47 गांव, दुमका में 16 गांव, गढ़वा में 35 गांव शामिल हैं। 29 दिसंबर के बाद होंगे झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी 2022 में ही होने की संभावना है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जनवरी फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव होने पर नई मतदाता सूची के अनुसार चुनाव हो सकेंगे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में नई मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। अगर मतदाता सूची के प्रकाशन के पहले अधिसूचना जारी की जाती है तो चुनाव उस आधार पर होंगे। दोस्तों खबर मौसम की, 20 नवंबर तक झारखंड के इन इलाकों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग द्वारा 20 नवंबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्पन्न हुआ और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु और उसके पड़ोस राज्यों में केंद्रित है। यह समुद्र तल से 3.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जिसे झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में बारिश हुई है। साथ ही पूरा झारखंड में बारिश का अनुमान लगाया गया है। शनिवार सुबह से रांची में 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जमशेदपुर में 7.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झारखंड में कोरोना के मिले 14 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22 मरीज रिकवर हुए हैं और 14 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि झारखंड में कोरोना से एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार रांची से 5, गुमला से 3, पूर्वी सिंहभूम से 4, दुमका से 1 और देवघर से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना से एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। बता दें कि झारखंड में कुल कोरोना वायरस का मामला अब 3,49,041 हो गया है और अब तक कुल 1,65,57,225 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 133 एक्टिव मामले हैं और कोरोना के 3,43,769 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। बता दें कि कोरोना से झारखंड में 5,139 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड की छात्राएं मात्र 10 रुपए में कर सकेंगी एमटेक की पढ़ाई। दोस्तों झारखंड की छात्राएं अब मात्र 10 रुपए में एमटेक की पढ़ाई कर सकेंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसका लाभ सभी वर्ग की छात्राओं को भी मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं से कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इस संबंध में मंगलवार को संशोधित फीस से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। विश्वविद्यालय में इस अकादमिक सत्र से एमटेक डाटा साइंस, एमटेक इन्वायरमेंटल साइंस और एमटेक प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। बता दें कि इन सभी पाठ्यक्रमों में 18-18 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। 1 करोड़ इनामी नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी को पड़ा मिर्गी का दौरा। गिरफ्तार नक्सली 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशनदा की पत्नी शीला मरांडी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नक्सली शीला मरांडी को रिम्स में एडमिट किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे रिम्स पेइंग वार्ड के पहले तल्ले के कमरा नंबर A3 में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उसे मिर्गी, सांस की तकलीफ के साथ साथ कमजोरी व अन्य समस्या भी है। खबरों को माने तो फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। गोसनर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन
रांची के गोसनर कॉलेज के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। मिस नरीज की तारीफ में उन्होंने कहा कि मिशन का संक्रमण काल में आदिवासी पिछड़ों अल्पसंख्यक समेत अन्य के लिए सराहनीय सहयोग रहा। झारखंड में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो 50% से अधिक योगदान मिशन का रहा है। मिशन स्कूल और कॉलेज में अनुशासन और सम्मान के साथ शिक्षा दी जा रही है। कौसनर कॉलेज ने अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे पूर्ण कर लिए हैं। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं। T20 मैच में बाधा नहीं बनेगा मौसम। झारखंड की राजधानी रांची में 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाना है। मौसम विभाग के अनुसार T20 मैच में मौसम का प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और निचले स्तर के बादल छाए रहेंगे और क्रिकेट मैच के लिए मौसम सुहाना रहेगा। झारखंड में 21 तारीख से फिर बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का एरिया पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जो संभवतः 18 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास में पहुंचने की संभावना है। झारखंड में वाटर कनेक्शन हुआ 14 गुना तक महंगा। झारखंड सरकार की नई जलकर नीति के चलते वाटर कनेक्शन का शुल्क 14 गुना तक बढ़ गया है। वाटर टैक्स में भी 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार की नई जल नीति के अनुसार नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले आवासीय उपभोक्ताओं को वाटर कनेक्शन लेने के लिए न्यूनतम 7,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। व्यावसायिक सांस्थानिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले कनेक्शन की दरों में भी भारी वृद्धि की गई है। इसके लिए वाटर कनेक्शन के लिए मात्र 500 रुपये चुकाना पड़ता था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी वाटर कनेक्शन के लिए शुल्क चुकाना होगा, जबकि पहले उन्हें निःशुल्क कनेक्शन दिया जाता था। 24 घंटे में देश में कोरोना के मिले 10,197 नए मामले। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,197 नए मामले सामने आए हैं और अब जी हां 301 लोगों की मौत हुई है। वहीं 12,134 लोग हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,555 है, जो कि 527 दिनों में सबसे कम है। बता दें कि इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.82% है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.96% हो गया है। केंद्र ने दी 5 राज्यों के गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 5 राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपए है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के इन अछूते गांवों को 4G आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह कुल 7,287 गांवों को दूर संचार टावर और सेवाएं मिलेंगी और लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलेंगी। रांची के JSCA मैदान में 100% क्षमता के साथ मैच देख सकेंगे दर्शक। झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA मैदान में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का मैच खेला जाना है। इसे लेकर JSCA की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड के पूर्व रणजी खिलाड़ी JSCA अंपायर स्कोरर वीडियो एनालिस्ट जो JSCA सदस्य नहीं है, वो 17 नवंबर को 10 बजे कीनन स्टेडियम जमशेदपुर और JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से अपना
कंप्लीमेंट्री पास प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के पंचायतों में 5 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति देंगे अब मुखिया। पंचायती राज विभाग ने 15वें वित्त आयोग से विमुक्त राशि को खर्च करने के लिए नए सिरे से गाइडलाइन जारी किया है। ग्राम पंचायतों में छोटी छोटी योजनाएं जिनकी प्राकलन राशि 5 लाख तक हो का क्रियान्वयन अब स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से किया जाएगा। पहले यह 2.5 लाख रुपए तक ही थी। मंत्री परिषद के फैसले के बाद विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 5 लाख से ऊपर की योजनाओं के लिए अभी ठेकेदारों का चयन टेंडर के जरिए किया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत में डे टू डे सुनवाई से बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। चारा घोटाला के एक और मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में डे टू डे सुनवाई चल रही है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बुधवार को 2 डॉक्टर और उनके अधिवक्ताओं ने दलील दी है।